कथा सुनने के लिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने बहुत सुन ली अब नहीं सुन सकते। जिस तरह से हम भोजन हमको नित्य चाहिए, प्राणवायु हमको नित्य चाहिए, सोना हमको नित्य चाहिए, ये जीवन हमको नित्य चाहिए, ठीक उसी तरह से ये भागवत कथा भी हमारे जीवन का नित्य नियम बनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, हम हमेशा इस कथा को सुनते रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमने बहुत कथा सुन ली, अब हम कथा क्यों सुने, बहुत आवश्यकता नहीं कथा सुनने। लेकिन बाबा तुलसी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनको हनुमान जी महाराज साक्षात उनको दर्शन दिए हैं, ऐसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने जीवन की घटना लिखते हैं कि गुरु जी ने बार बार मुझे राम कथा सुनाई, कई बार मेरे गुरु महाराज ने मुझे राम कथा सुनाई, तब जाकर के कुछ मुझे समझ में आई। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बाबा तुलसी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, वो अपने जीवन की घटना लिखते हुए अपने जीवन की घटना बताते हैं, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि गुरुजी ने मुझे बार बार राम कथा सुनाई, तब जाकर के मुझे कुछ समझ में आई। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, दो चार कथा सुन लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं महाराज बहुत हो गए, हमने बहुत कथा सुन ली, अब कुछ सुनना बाकी नहीं। बार बार सुननी पड़ेगी और एतबार के साथ सुननी पड़ेगी। बहुत काल करिए सत्संगा, हमारे यहां संतों ने कहा है कि बहुत काल तक आपको सत्संग करना पड़ेगा, तब ये कथा आपको समझ में आ सकती है। सदा से व्या श्रीमद भागवती कितना सुने, एक श्लोक सुन ले, आधा श्लोक सुन ले, पूरी कथा नहीं, नित्य सुनते रहे। आप नित्य कथा सुनते रहोगे, नित्य इन शास्त्रों को आप पढ़ते रहोगे, तो आपको चार चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे पहला है आपका ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपका, बोल तो दो सब लोग, ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है इन शास्त्रों से, ज्ञान बढ़ता है। शास्त्र आप नित्य पढ़ते रहो, नियम ले लो कि हमें शास्त्र नित्य पढ़ने हैं, तो इन शास्त्रों को नित्य पढ़ने से सबसे पहले आपको जो लाभ होगा वो ये लाभ होगा कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा लाभ आपको क्या होगा, दूसरा लाभ ये आपको होगा कि आपके जीवन में वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ करके जाओगे, वैराग्य का मतलब है अपने आप में आनंदित होना, अपने आप में परिपूर्ण होना। अभी आप अपने आप को, जब तक आपको सब कुछ न मिले तब तक आप अपने को अकेला समझते हो, तब तक आप अपने को अधूरा समझते हो, तब तक आप अपने को न जाने क्या क्या समझते हो। लेकिन वैराग्य जिस दिन जीवन में आता है, व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, फिर उसको किसी और की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो पहला आता है क्या आता है, ज्ञान आता है। पहले क्या आता है, ज्ञान आता है। दूसरा आपके जीवन में क्या आता है, वैराग्य आता है। और तीसरा आपका आचरण निर्मल बनता है, जीवन आपका निर्मल बनता है। हमारे जीवन की जो विकृतियां हैं, हमारे जीवन की जो बुराइयां धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं, हमारा जीवन निर्मल बनता है और इन सब का परिणाम हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कोई ऐसा है जो यहां से जाने के बाद भगवान को ना चाहता हो, भगवान के धाम न जाना चाहता हो, कोई ऐसा है यहां पे? जाने के बाद, यहां से जाने के बाद हम सबकी यही कामना रहती है कि हम कहां पर जाएं, भगवान के धाम, भगवत चरणों में हम जाएं। तो वो कब जाएंगे, जब हम इन शास्त्रों के साथ सतत लगते रहेंगे। सदा से व्या श्रीमद भागवती, हमेशा इनको सुनते रहें, हमेशा सुनते रहें, और जब सुनेंगे तो निश्चित ही है ये कथा हमारे जीवन को पवित्र करे।